Hello students, welcome to eLearning Academy. So today we will going to discuss most important definitions. यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड डायग्राम्स, उसके बाद और भी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें सभी हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो थिकनेस थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर में सब कुछ दिखे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं. तो डायग्राम का अगर मैंने इसमें ऐड किया रहेगा शीट तो वो भी आप लोगों को मैं बता दूंगा, अदरवाइज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे. ओके, डिस्टिंग्विश तो यहाँ पे नहीं, डिस्टिंग्विश आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में मिल जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं. तो चैप्टर नंबर वन का चैप्टर वाइज मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करूँगा स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2023, फॉर बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डेफिनेशन प्रॉपर में पढ़ लेना आप लोगों को, बेस्ट वे में उसको रीड कर लेना है. सेकंड जो डेफिनेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का भी डेफिनेशन आप लोगों को प्रॉपर में अच्छे से इसको स्टडी कर लेना है. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स है थर्ड अपने पास डेफिनेशन यूसीएम. यूसीएम क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूसीएम क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो इसका भी डेफिनेशन आप लोग को प्रॉपर में यहाँ पे रीड कर लेना है और जो भी आप लोग के पास नोट्स है वहाँ से आप लोग को पढ़ लेना है. अगेन स्टूडेंट्स, जितने भी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूँगा, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूँगा. टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पर मिलेगा आपको? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. ओके, फोर्थ यहाँ पे जो अपने पास है डेफिनेशन पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम. एंड फिफ्थ वन के अपने पास बैंकिंग ऑफ रोड. ओके, जो बैंकिंग ऑफ रोड का ना थोड़ा सा बड़ा डेफिनेशन जो कि मैंने आप लोग को अपने नोट्स में प्रोवाइड किया हुआ है. ठीक है, वो नोट्स का ही आप लोग को पूरा का पूरा डेफिनेशन लिखना है. ये कभी कभी एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ जाते हैं तो आप लोग को प्रॉपर में अच्छे से पढ़ लेना है. ओके, सिक्स्थ यहाँ पे जो डेफिनेशन अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी. ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी जो डेफिनेशन था आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है, दिस आर बोर्ड एग्जाम के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन का डेफिनेशन क्या होता है आप लोग को स्टडी कर लेना प्रॉपर वे में. एंड नेक्स्ट वन इज एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम आपको अच्छे से पढ़ लेना है. ठीक है, इस टाइप से मैंने चैप्टर नंबर वन का जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने डिस्कस कर लिया आप लोग के साथ. अब मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर टू का. चैप्टर नंबर टू का भी हम लोग इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे जितने भी डेफिनेशन हैं. फर्स्ट डेफिनेशन अपने पास है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का आपको डेफिनेशन प्रॉपर में पढ़ लेना है. नेक्स्ट सेकंड है मॉलिक्यूलर रेंज एंड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. ओके, दोनों भी अलग अलग डेफिनेशन है. दोनों भी डेफिनेशन के नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं. अगर नहीं आप लोग के पास है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से उसको देख सकते हो या फिर यूट्यूब में प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो. ओके, एंड चैप्टर नंबर टू का ही क्वेश्चन नंबर थ्री सरफेस टेंशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि दिस ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए आने के बहुत ज़्यादा चांसेस स्टूडेंट्स. एंड फोर्थ वन है कोहेसिव फोर्स. कोहेसिव फोर्स भी आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडहेसिव फोर्स है. एंड सिक्स वन है अपने पास सरफेस एनर्जी. एंड सेवन्थ वन इज नथिंग बट कैपिलरी, है ना. देखो स्टूडेंट्स, कैपिलरी या फिर कैपिलरिटी दोनों में से कोई एक डेफिनेशन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में परफेक्ट वे में दिखेगा. ओके, तो ये आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है. नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर थ्री की बात करेंगे स्टूडेंट्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, मीन फ्री पाथ, है ना. मीन फ्री पाथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है. और इसी के साथ स्टूडेंट्स ने एक और डेफिनेशन मैं ऐड करना चाहता हूँ खुद से, प्रेशर का डेफिनेशन. ओके, सो प्रेशर का डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम. एंड सेकंड वन इज नथिंग बट व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई. इस बार पढ़ के जाओ, आराम से बोर्ड एग्जाम में आप लोग आ जाएगा. बेस्ट वे में इसको लिख देना और प्रॉपर वे में बेस्ट मार्क्स मिल जाएंगे आपको. ओके, थर्ड वन इज नथिंग बट वॉट? एमएससी पावर. एंड फोर्थ वन इज नथिंग बट वॉट? एमएससीविटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन. देखो स्टूडेंट्स, एमएससीविटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन बोथ आर सेम. ओके, कभी एग्जाम में ये आया तो ये मत समझ लेना भाई कुछ क्या पूछ दिया, मेरे को आता नहीं. ठीक है, तो जो आप लोग को पढ़ाया है वही पूछा है. ओके, फिफ्थ वन किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन. आप लोग को पढ़ के जाना एग्जाम में किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, तो आप लोग को प्रॉब्लम में इसको पढ़ लेना है, सब कुछ देख लेना क्या क्या गिवन है वो सब पढ़ लेना है. नेक्स्ट यहीं पे मैं आप लोग को एक और बताना चाहता हूँ, इसी में एक और ऐड करना चाहता हूँ मैं, फेरिस ब्लैक बॉडी, है ना. इसमें एक है फेरिस ब्लैक बॉडी, वो आप लोग को पढ़ लेना स्टूडेंट्स. मैंने इसमें ऐड नहीं किया बट यहाँ पे बता दे रहा हूँ, फेरिस ब्लैक बॉडी आप लोग को अच्छे से बेस्ट वे में इसको पढ़ लेना है, एग्जाम में आएगा मोस्ट प्रोबेबली. स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन आपको पढ़ना है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ लेना है. ठीक है, अब मैं चैप्टर नंबर फोर की बात करता हूँ स्टूडेंट्स. चैप्टर नंबर फोर में देखो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर फोर इस जो भी आप लोग को सिलेबस है, सिलेबस के पहले चैप्टर नंबर फोर अलग से नहीं दिया था. ठीक है, कुछ कंटेंट थे बट पूरा प्रॉपर में नहीं गिवन थे, बट अभी से नया नया चैप्टर यह आया तो इसमें से मैक्सिमम जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है सभी के सभी पॉसिबिलिटीज़ मैंने दिए हुए हैं. ठीक है, इसमें से एक या दो आप लोगों को कन्फर्म बोर्ड एग्जाम में दिखेंगे. तो सबसे पहले डेफिनेशन आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से.
सेकंड जो डेफिनेशन अपने पास इंटरनल एनर्जी, ये डेफिनेशन आपको पढ़ना चाहिए। एंड थर्ड वन इज नथिंग बट व्हाट सिस्टम, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है एंड आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। ओके इस सिस्टम के बेस पे आप लोगों ने पूछा है कि एक्सप्लेन द टाइप ऑफ सिस्टम, तो आप लोग को ये बताने आना चाहिए, बट मैं यहाँ पे इसको डेफिनेशन में ऐड कर दिया बिकॉज ऑफ कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स ने इसको पढ़ने के चक्कर में सब भूल जाते हैं सब पढ़ना, ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। एंड फोर्थ डेफिनेशन है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मोस्ट, ठीक है, मोस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं आया तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पक्का आएगा आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ वन है जो डेफिनेशन है रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर आप बोलोगे सर रिवर्सिबल प्रोसेस का तो डेफिनेशन हमारे टेक्स्ट में दिया नहीं है, ठीक है, अगर नहीं दिया तो आप लोग नोट्स मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, कहाँ प्रोवाइड किया, टेलीग्राम चैनल पे या फिर कहाँ पे और मिलेगा आपको, वीडियो में, है ना, इस चैप्टर के वीडियो में जाके आप प्रॉपर वे में देख सकते हो। फिर सेवन जन अपने पास इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस का डेफिनेशन आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट वन है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन का जो एफिशिएंसी होता है उसका डेफिनेशन आपको पढ़ लेना चाहिए, अभी तक तो कभी पूछा नहीं है बट मे भी पूछ लेगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस बार बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को या फिर कार्नोट साइकिल का डेफिनेशन दिखेगा एग्जाम में, कंफर्म दिखेगा, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स देखो अभी बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा बोर्ड एग्जाम में और बाद में ये मत बोलना कि सर आपने बताया तो मुझे तो पता ही नहीं था, ठीक है, तो आप लोगों को प्रॉपर में सब कुछ पढ़ लेना जो भी मैं बता रहा हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ लेना, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट, तो दोनों भी आप लोग को ये किसका बर्थ करता है, रेफ्रिजरेशन का बर्थ करता है, सॉरी हीट इंजन का बर्थ करता है, किसका बर्थ करता है, रेफ्रिजरेशन और हीट पंप का, रेफ्रिजरेशन और हीट पंप का, ओके, तो आप लोग को प्रॉपर में पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने चैप्टर नंबर 4 का यहाँ पर डिस्कशन कर लिया आप लोगों के साथ में, अब मैं चैप्टर नंबर 5 का डिस्कशन कर रहा हूँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना, जिसको हम बोलते हैं लीनियर SHM, लीनियर SHM मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको पढ़ना चाहिए, एम्पलीट्यूड डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेज ऑफ SHM, फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, तीनों भी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों भी डेफिनेशन, ठीक है। एंगुलर SHM ये पढ़ लेना चाहिए आपको। सेकंड पेंडुलम, देखो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर ने इसका डेफिनेशन नहीं पूछा था बट इस बार मे भी पूछ ले। डैम्प ऑसिलेशन न्यू है, पिछले साल रिड्यूस किया गया था बट इस बार नया ऐड है, तो मे भी आपको डेफिनेशन पूछ ले स्टूडेंट्स, प्रॉपर में पढ़ लेना चाहिए। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का आपको डेफिनेशन पढ़ लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स याद रखना, एक और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, है ना, सिंपल पेंडुलम एंड कोनिकल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम एंड कोनिकल पेंडुलम दोनों का डिफरेंस बिटवीन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है बोर्ड एग्जाम में। ओके नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 में बताना चाहता हूँ आप लोगों को सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, उसका डेफिनेशन आपको पढ़ लेना प्रॉपर में। ट्रांसवर्स वेव का डेफिनेशन आपको पढ़ना है, स्टेशनरी वेव का, स्टेशनरी वेव का ज़्यादा चांसेस है दिसर बोर्ड एग्जाम में दिखने के चांसेस ज़्यादा है, अगर ट्रांसवर्स वेव पढ़ रहे हो ना स्टूडेंट्स, साथ ही साथ आपका लॉन्जिट्यूडनल वेव भी पढ़ के हो जाना चाहिए, है ना, ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों भी सेम है, इसमें से पर्पेंडिकुलर मूव करता है, यहाँ पे पैरेलल में मूव करता है ना। एंड फोर्थ वन प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव, ये आपको पढ़ लेना चाहिए, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ टेंशन एंड लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। ओके जितने भी स्ट्रिंग की लॉ है, जितने भी स्ट्रिंग की लॉ है, इसके बेस पर अगर सब कुछ पूछ लेना भाई तो 3 मार्क का पूछेगा, ठीक है, अगर सब कुछ नहीं पूछा, एक एक लॉ पूछ रहा है तो आप लोग को 1 या 2 मार्क के पूछेगा, तो आप लोगों को हर एक लॉ प्रॉपर में पढ़ लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ओके स्टूडेंट्स आई होप आप लोग समझ पा रहे हो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 में क्या क्या इंपॉर्टेंट होंगे मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। चैप्टर नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पर डेफिनेशन, इंटरफेरेंस आपको पढ़ लेना चाहिए बेस्ट वे में। सेकंड वन है वेव फ्रंट का डेफिनेशन पढ़ना चाहिए। थर्ड वन इज अ वेव नॉर्मल, वेव फ्रंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर दिस ईयर बोर्ड एग्जाम, इंटरफेरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस प्रिंसिपल भाई पढ़ के जाओ, रट्टा मार लो नहीं आता तो, ठीक है। फ्रिंजमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है बट फिर भी मैंने दिया है तो पढ़ना आपको सब कुछ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी लेस इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर पूछा था तो मे भी इस बार रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पूछ ले। ओके तो आपको पढ़ लेना चाहिए पोलराइजर का डेफिनेशन एंड रिजल्विंग पावर, रिजल्विंग पावर मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिस बोर्ड एग्जाम के लिए। मे भी आपको आएगा क्वेश्चन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिजॉल्विंग पावर। ओके स्टूडेंट्स इस टाइप से मैंने चैप्टर नंबर 7 आपको डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग फिजिक्स 2 के चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर एंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम का डेफिनेशन नहीं पूछा बट थ्योरम पूछा तो डेरिवेशन या फिर कोई आपको न्यूमेरिकल्स के बेस पर पूछ लेगा। ओके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन पढ़ लेना आपको, पोलर डाइइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ लो। पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल आपको पढ़ के जाना है डेफिनेशन, जो कि इंपॉर्टेंट वाले पार्ट में इसको भी ऐड किया हुआ है मैंने। ओके चैप्टर नंबर 9 में अगर देखोगे ना स्टूडेंट्स, किरचॉफ लॉ, फर्स्ट लॉ किरचॉफ, जिसका नाम क्या करंट लॉ भी होता है और जंक्शन लॉ भी होता है, तीनों भी एक ही है, समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट्स, तीनों लॉ आपको बेस्ट में पढ़ लेना है।
और जरा सभी स्टूडेंट्स जितने भी मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ ना स्टूडेंट्स, अगर आपको पॉसिबल हो तो सभी के सभी डेफिनेशन का एक आपको नोट्स रेडी कर लेना, और वही नोट्स आपको अपने बोर्ड एग्जाम तक बार बार पढ़ के जाना है। कहीं भी प्रीलिम्स हो, बोर्ड एग्जाम हो, कुछ भी हो, बार बार वही नोट्स आपको पढ़ के जाना है फॉर द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन के लिए हर एक चैप्टर्स के लिए। ओके, किरचॉफ सेकंड लॉ के अपने पास वोल्टेज लॉ बोलते हैं, इसको हम लोग हुप थ्योरम भी बोलते हैं, ये आपको सेकंड डेफिनेशन लॉ पढ़ लेना है। एंड थर्ड वन इज नथिंग बट व्हाट पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिस बोर्ड एग्जाम के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके स्टूडेंट्स, एंड चैप्टर नंबर 8 सॉरी 10 में ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, बट फिर भी एम्पीयर्स लॉ पढ़ना आपको, बॉयड्स वर्ड्स लॉ आपको, स्टेटमेंट्स वगैरह पढ़ लेना अच्छे से बेस्ट वे में। नाउ नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 11 एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी दिस ईयर बोर्ड एग्जाम आने के मोस्टली चांसेस है। देखो स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात किया था, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स, मैक्सिमम, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन दिए हुए थे मैंने मोस्टली अराउंड 80 क्वेश्चन दिए थे, बट 35 से 40 क्वेश्चन सेम आ गए थे, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर दिस ईयर है, इसको आपको पढ़ लेना है बेस्ट वे में, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे रीड करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग कोई भी स्पेलिंग का प्रॉब्लम हो तो समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो भी आप लोग के लिए बनाया, नहीं तो मैं इसका पीडीएफ डायरेक्ट अपलोड कर सकता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसका टाइम देने का मतलब जस्ट आप लोग का फायदा हो, ठीक है। अगर आप लोग का फायदा हो तो मेरा भी फायदा आप लोग करा सकते हो, कैसे फायदा करा सकते हो, जस्ट मेरे वीडियो को वॉच टाइम बढ़ा के और सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करा के, है ना, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर कर दो ये वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको डेफिनेशन के फॉर्म में फैराडेस फर्स्ट लॉ, फैराडेस फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, दोनों में सेकंड लॉ आपको एग्जाम में दिखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वो डेफिनेशन पढ़ लेना चाहिए। लेंजेस लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेंजेस लॉ, एडी करंट। देखो स्टूडेंट्स, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्शन, लास्ट ईयर मैंने 10 बार चला चला के बोला था और ये एग्जाम में आ गया था, ठीक है। इस बार ये एग्जाम में आने के बहुत कम चांसेस है, बट फिर भी मेरे साइड से पढ़ लेना, एडी करंट एंड लेंजेस लॉ आने के ज़्यादा चांसेस है, ये आप लोग को प्रॉपर में पढ़ लेना चाहिए। चैप्टर नंबर 13 में इंडक्टिव रिएक्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कैपेसिटिव रिएक्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपिडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। तीनों भी लास्ट ईयर एग्जाम मार्च में जो हुए थे, सॉरी अप्रैल में 2023 में और 22 में, वो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आप लोग को बोर्ड एग्जाम में मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि ये क्वेश्चन आएंगे, तो वो आ गए थे, ठीक है। अगर देखो स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर वाले एग्जाम आए थे तो सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस इस बार कन्फर्म आ जाएंगे, आपको लिख के ले लो, ठीक है। पावर फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड इंडक्टेंस, अगर इसी चैप्टर का उस पर्टिकुलर एग्जामिनर को पूछना लगेगा तो पावर फैक्टर और इंडक्टेंस पूछ लेगा वो, ओके। देखो स्टूडेंट, जितना भी यहाँ पे डिस्कशन करना होना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बताता नहीं इतना जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का आपको डेफिनेशन रट्टा मार लेना, अगर नहीं समझ में आता तो रट्टा मार लो भाई, बट एग्जाम में पढ़ के जाओ, ओके। फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन का भी डेफिनेशन आप लोग को पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड चैप्टर नंबर 15 में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स बोर्स पोस्टुलेट्स ना भाई, जितने भी 3 पोस्टुलेट्स है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट लिख दे रहा हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक पोस्टुलेट्स आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का दिखेगा, तो आपको प्रॉपर में तीनों पोस्टुलेट्स प्रॉपर में पढ़ना है, प्रॉपर में। कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि इसने नहीं, मैं एक लाइन पढ़ूंगा, दो लाइन पढ़ूंगा, ऐसा मत पढ़ो भाई, प्रॉपर में पढ़ लो। क्यों? क्योंकि इसके बेस पे आप लोगों को थियरी क्वेश्चन आ जाएंगे, थियरी क्वेश्चन आ जाएंगे तो इसका बेनिफिट वहाँ पर भी मिलेगा आपको। लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव क्या होता है, मोस्ट पढ़ लो भाई, एग्जाम में आ जाएगा। हाफ साइकिल के बेस पे न्यूमेरिकल्स आप लोग को एग्जाम आने के ज़्यादा चांसेस है, बट डेफिनेशन भी दिया हुआ है तो डेफिनेशन भी आपको पढ़ लेना चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट टाइम मैं बात करना चाहता हूँ चैप्टर नंबर 16 का, जिसमें से आपको रेक्टिफायर का डेफिनेशन प्रॉपर में पढ़ लेना है अच्छे से बेस्ट वे में। इसमें से भी आप लोग को फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें से फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर में से फुल वेव एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस है, प्रॉपर में अच्छे से पढ़ लेना बेस्ट वे में, आप लोग को मजा आ जाएगा, अच्छे से स्टूडेंट्स पढ़ लो। नेक्स्ट सोलार सेल भी आपको पढ़ना है एंड जीनो डायोड लास्ट ईयर रिड्यूस्ड पार्ट में था, इस ईयर बोर्ड एग्जाम में आने की ज़्यादा चांसेस है, पूछेगा व्हाट इज जीनो डायोड एंड उसके बेस पे थ्योरी पूछ लेगा या फिर डेफिनेशन आप लोग को पूछ लेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोगों ने पूरा का पूरा डेफिनेशन समझ लिया रहेगा किस टाइप से मैंने हर एक पॉइंट आप लोग को, देखो जितने भी यहाँ पर डेफिनेशन इसमें बनाया मैंने स्टूडेंट्स, इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है, तो आप लोग आई होप प्रॉपर बेस्ट वे में इसका यूटिलाइज करोगे, और मुझे बाद में आप लोग जरूर मैसेज करके बताओगे कि सर आपने जो दिया था क्वेश्चन में आ गया हूँ, थैंक यू। इस टाइप का मैसेज प्रॉपर वे में बेस्ट वे में आना चाहिए ताकि मैं आप लोग का जो भी मैसेज है स्टेटस पे अपलोड कर सकूँ, ताकि मुझे भी अच्छा लगता है स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे थे ई लर्निंग अकेडमी, जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा ई लर्निंग अकेडमी टोटली स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, और इसमें मैं
आप लोगों के साथ सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जितने भी चैप्टर्स ऑलरेडी सब कुछ मैं डिस्कशन कर चुका हूँ स्टूडेंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट्स और फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स सब कुछ डिस्कशन हो गया है। अगर आप लोग को वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो आप लोग को बेनिफिट हो रहा है तो अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, मैक्सिमम वॉच टाइम इंक्रीज कराएंगे स्टूडेंट्स, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, है ना। सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इसका जो PDF है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जनवरी में, ओके। अभी के लिए आप लोग को यहीं से इसको सब कुछ प्रॉपर मार्क कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोगों ने वीडियो पूरा इन्जॉय करेगा तो चलो के लिए, चलो अभी के लिए बाय बाय, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। सो थैंक यू।